या सर, हमने आप लोगों का रियल लाइफ का जो है वो स्क्रीन पर देख लिया, लेकिन रियल लाइफ में मैं प्यार में वो मोमेंट आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, कब ऐसा लगा था गौहर सैफ को देख के कि मैं प्यार में हूँ, एक्चुअली उनको देखने का तो मुझे मौत मुझे मालूम है जानू क्या कौन सा वाला है। I remember once. So, मैं बोल सकता हूँ, कुछ नहीं होता है। प्लीज बोलिए। तो जब ऑफ कोर्स हम लोगों ने कभी ऐसे अलोन वाला मीटिंग कभी नहीं किया था, वी वर टॉकिंग ऑन मैसेजेस, बट एक दिन था ऑलमोस्ट फॉर वन मंथ, क्लियरली फॉर वन मंथ वी वर जस्ट ऑन मैसेजेस, वी डिडंट मीट। उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश करने के बाद सब कुछ जो कर सकता था मैं, उसके बाद में एक चांस मिला मुझे कि बिल्डिंग के बाहर मैं अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में, ठीक है ना। तो आई टोल्ड चलो ठीक है कोई बात नहीं, एंड लॉकडाउन था तो शी इज टेकिंग केयर ऑफ द सोशल डिस्टेंस ऑल्सो, बट मान तो लिया ना मिलने के लिए। फिर जब व्हेन वी मेट, आप मुझे तो सबसे पहले हो गया था बट इनको होना बाकी था ना। तो व्हेन वी मेट, we both were sitting on it was the first time we met, first time we met, the puri sara aro puri kahani puri history bata do koi baat। So hum log we were sitting on a parking lot mein mere aur can you not give all the details, acha we were sitting somewhere and bol to de hai jaanu। To wo jo actual mein filmy cheeze hoti hai na, ke abhi she is looking at me aur jaise maine dekha to she looks somewhere else, I swear I'm not kidding. I was looking at her, और जैसे ये मुझे देखते थे मैं उधर देखता था, and I knew that she was looking at me. तो I assume that उनको वहाँ पे हो गया था प्यार। Meeting was only very short, but because we were friends for that one month and he was बहुत ज़्यादा caring थे, because my dad was in the hospital at that time and I was in Pune. तो वो सी प्यार क्या होता है? It's eventually a feeling कि आप किसी के ऊपर rely कर सकते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, आप लुक्स बहुत बाद में आते हैं। पता नहीं मैं क्या, हाउ वुड आई लुक, या ही डिडंट फॉल इन लव विद मी बिकॉज माई लुक्स, आई हैड अ मास्क ऑन व्हेन ही स्पॉटेड मी, आई डिडंट इवन नो ही स्पॉटेड मी। तो ऐसा नहीं था कि हमने एक दूसरे को, आई नो बट आई एम जस्ट सेइंग वो यू नो है ना, दिया ऊपर वाले ने तो अच्छी बात है। नो बट आई एम सेइंग कि वो देखने से प्यार नहीं हुआ था, वो जानने से प्यार हुआ था। सो आवर फर्स्ट मीटिंग, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, वो जानने से प्यार हुआ, मुझे तो देखने से हो गया था। But that moment was true. जब realize हुआ कि हाँ, okay, maybe I do, you know, love him. वो एक butterfly जो कहते हैं ना। देख लिया था जानू, जब आप मुझे देख रहे थे ना यहाँ से। मैं keep quiet. तब मैं समझ गया था। And आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, December का month कितना special है गाजा के लिए, अगर मैं बोलूँ तो। बहुत ज़्यादा special है गाजा के लिए। शादी हुई यार हमारी वो में। पहली बात तो December मेरे लिए वैसे ही बहुत खास है, क्योंकि मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी भी दिसंबर में थी, आती है, मेरी बहन की दिसंबर में आती है, और क्रिसमस मेरा फेवरेट, बचपन से फेवरेट फेस्टिवल रहा है। क्रिसमस आता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती थी, एंड एज अल्लाह वांटेड इट मैंने क्रिसमस के दिन पे ही शादी की। सो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एंड अब मैं प्यार में हूँ आ रहा है, वो भी दिसंबर के महीने में आ रहा है, वो भी 7 दिसंबर को आ रहा है, जो 7 मेरा लकी नंबर है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एंड वी आर गोना बी 1 ईयर ओल्ड फॉर आवर मैरिज सून इंशाल्लाह। या वेरी स्पेशल।